नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल स्वादिष्ट व्यंजन रसोई में। आज हम आप सबके साथ शेयर करेंगे ब्रेड की रसमलाई की रेसिपी। इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, आप सभी को ये बहुत पसंद आएगी। आज हम बनाएंगे ब्रेड की रसमलाई। रसमलाई बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे रबड़ी। थोड़ा सा हम पानी डालेंगे। पानी से दूध नीचे लगेगा नहीं। एक गिलास हम इसमें दूध डाल देंगे। दूध को हम गर्म कर लेंगे। दूध मेरा गर्म हो गया है। अब हम इसमें मिक्स करेंगे मिल्क पाउडर। इसको बराबर चलाते हुए हम गर्म करेंगे जिससे कि इसमें कोई लम्स ना पड़े। मिल्क पाउडर अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट। बादाम और काजू को हमने छोटे छोटे पीस में काट लिया है, इनको हम मिक्स करेंगे। फ्लेवर के लिए हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें मिक्स करेंगे मलाई। मलाई को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम मिक्स करेंगे येलो फ्रूट कलर। आधा कटोरी हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी को अच्छे से मिक्स करेंगे। रबड़ी मेरी तैयार हो गई है। हमें इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, थोड़ा सा हमें इसे पतला ही रखना है। रसमलाई बनाने के लिए हमने 5 पीस ब्रेड के लिए हैं। ब्रेड के किनारों को हम निकाल देंगे। सारी ब्रेड के हम किनारों को निकाल देंगे। एक हमने बाउल लिया है, इसमें हम दूध डालेंगे। ब्रेड के पीस को इसमें डिप करेंगे दूध में। एक्स्ट्रा दूध हम निकाल देंगे इस तरीके से दबाते हुए। बीच में ड्राई फ्रूट रखेंगे। इस तरह से हम रसमलाई बनाएंगे। सारी रसमलाई हम इसी तरीके से बना लेंगे। रसमलाई मेरी बनके तैयार हो गई है। अब हम इन्हें सर्व करेंगे। ऊपर से हम इसमें रबड़ी डालेंगे। रसमलाई पर ऊपर से हम लगाएंगे सिल्वर वर्क इस तरह से। पिस्ता से हम गार्निश करेंगे। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर हम जल्दी ही मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।